हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे उड़द दाल की मंगौड़ी, जिसके लिए दाल को हमने रात भर के लिए पानी में भिगो के रख लिया था। उसे हमने अच्छे से वॉश करके ले लिया है। इसमें हमने एक बड़ा चम्मच जीरा डाला है, अदरक डाल दिए हम, और हरी मिर्च डाली है हमने 3-4। हींग डाल रहे हैं हम, हींग हमें ज़्यादा डालना है। हरा धनिया डाल रहे हैं, इसे हम हल्का सा चला लेंगे इस तरीके से। अभी इसमें हम दाल डालेंगे, इसमें हमने 2 चम्मच पानी डाल करके हमें इसे इस तरीके से पीस लेना है। इस तरीके से आसानी से पीस जाता है। हमने इतनी दालों को अच्छे से पीस करके तैयार कर लिया है। अब नमक डाल के इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा फेंट लेंगे। इससे हमारे जो मंगौड़ी रहेगी वो बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और कुरकुरी बनेगी। कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। अब इस तरीके से आप पकौड़ियों की तरह इसे आप छोड़ते जाइए। पहले हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाना है, इसके बाद हमें तेज फ्लेम पे इसे सुनहरा होने तक पका लेना है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, जब ये एक बार अच्छे से सुनहरी हो जाए नीचे से, इसके बाद ही इसे हमें पलटना है। ये हमारी बहुत ही क्रिस्पी मंगौड़ियाँ बन कर के तैयार हो गई है। ये देखिए, इसे हम धनिया टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।